खरगोन में रासायनिक दवाइयों के प्रयोग से मानव जीवन एवं जमीन पर हो रहे दुष्परिणाम को लेकर आज बोरावा में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। इस सेमिनार में प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेश के वैज्ञानिक शामिल हुए। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सचिन यादव भी सेमिनार में शामिल हुए। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य किसानों को जैविक खेती का महत्व बताना एवं रासायनिक दवाइयों का दुष्परिणाम मानव जीवन पर किस तरह से हो रहा है उसके बारे में बताया गया। साथ ही जैविक खेती के फायदे बताते हुए किसानों के सुझाव भी लिए गए। इस सेमिनार में सैकड़ों किसान मौजूद रहे। जो है हमारा किसान साथी ही नहीं, हमारा पूरा देश जिससे प्रभावित हो रहा है, उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मानव जीवन के लिए एक घातक जो है संकेत है, और इसीलिए आज हम हमारे किसान साथियों को इस जैविक सेमिनार के माध्यम से हम उनको जैविक खेती की तरफ उनको प्रेरित करना चाहते हैं। और जो जैविक खेती को लेकर के आज एक लोगों के किसानों के मन में जो प्रश्न थे, जो सवाल थे, जो भ्रांतियाँ थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेमिनार के माध्यम से उन सारी भ्रांतियों को दूर भी किया जाए और दोबारा जो है किसान साथियों को इस जैविक खेती की तरफ हम लोग लेकर के आएंगे, परंपरागत खेती की तरफ लेकर के आएंगे। और किसान अपने इस जैविक खेती के माध्यम से किसान जो है अपनी निश्चित रूप से अपनी लागत में भी कम कर सकते हैं। निश्चित रूप से आज इस सेमिनार में जो जो बिंदु उठेंगे, जो जो सुझाव आएंगे, उन सभी सुझावों पर जो है गंभीरता से चर्चा करेंगे और कैसे हम उनको जो है क्रीम में ला सकते हैं, उसके लिए कैसे नियम कायदे बना सकते हैं, उस समय हम लोग काम करेंगे। कसरावत तहसील से जिला ब्यूरो राम पवार नायक के साथ अबरार पठान की रिपोर्ट।